हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, में DSSB स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है, अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजीशन इज। नी चेस्ट पोजीशन का अदर नेम क्या है फ्रेंड, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजीशन इज, इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शंस बी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट हु शो साइन ऑफ शॉक। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट हु शो साइन ऑफ शॉक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड थर्ड पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, एक ड्रग को PRN देने हेतु प्रिस्क्राइब की गया है। नर्स जानती है कि PRN का तात्पर्य होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए है एज नीडेड, बी है अर्ली मॉर्निंग, सी है स्टेट एंड डी है एट नाइट। इसमें दिया है कि एक ड्रग को PRN देने हेतु प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्स जानती है कि PRN का तात्पर्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। एंड फोर्थ पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिया है फ्रेंड, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेट होने पर निम्न में से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेट्स होने पर निम्न में से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है, मसाजिंग और रबिंग द साइट। एंड फिफ्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, हुक वॉर्म पेंट्रेट इन टू द बॉडी ऑफ पेंट्रिएटिंग द स्किन ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि हुक वॉर्म पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड सिक्स पॉइंट है, द डिजीज नोन एज प्लेग वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई। सिक्स पॉइंट पे फ्रेंड दिया है कि द स्किन नोन एज प्लेग वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई, इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मोडियम वी वैक्स कॉजेज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि प्लाज्मोडियम वी वैक्स कॉजेज, ए है फाइलेरिया, बी है डेंगू एंड सी है मलेरिया एंड डी पॉइंट है नन। प्लाज्मोडियम वी वैक्स कॉजेज, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलेरिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फेंट मॉर्टलिटी इज डिटरमाइंड, ए है लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 1000 एंड बी है लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 10,000 एंड सी पॉइंट है लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 100 एंड डी पॉइंट है नन। इन्फेंट मॉर्टलिटी इज डिटरमाइंड, इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच कंडीशन इज द क्रेमर रूल यूज्ड एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन नियोनेट्स। इसमें दिया है, इन विच कंडीशन इज द क्रेमर रूल यूज एज अ
क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन न्यूनेट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्लाइट टोनिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट्स अ बॉडी इज टर्म्ड एज। नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को क्या कहा जाता है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है, फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवॉल्यूशन ऑफ नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइपरबिलिरुबिनेमिया की जटिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवॉल्यूशन ऑफ नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी है। पॉइंट है 12th नंबर दिया है, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इस पॉइंट में दिया है कि द चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप एक्सहिबिट पैरेलल प्ले। किस आयु वर्ग के बच्चे समांतर क्रियाशील का प्रदर्शन करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है, 2 से 3 ईयर। एंड 13th पॉइंट है, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। ऑप्शन ए है MMR, बी है हेपेटाइटिस बी, एंड सी पॉइंट है DPT, एंड डी पॉइंट है OPV। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, OPV। एंड 14th पॉइंट है, करेक्ट रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट मम्स इम्यूनाइजेशन इज बिटवीन। ऑप्शन ए है 16 से 18 मंथ, बी है 12 से 15 मंथ, एंड सी है 8 से 11 मंथ, एंड डी पॉइंट है 2 से 4 मंथ। करेक्ट रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट मम्स इम्यूनाइजेशन इज बिटवीन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी है, 12 से 15 मंथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री टर्म बेबीज कॉजेज। पूर्व अवधि शिशु में ऑक्सीजन विषमता का कारण बनाती है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताइए। इसने पूछा कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री टर्म बेबीज यूज पूर्व अवधि शिशु में ऑक्सीजन विषमता का कारण बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है। एंड 15th पॉइंट है फ्रेंड, न्यूनेटल इज अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ। ऑप्शन ए में दिया है 0 से 4 वीक्स, बी है 5th से 8 वीक, एंड सी पॉइंट है 9 से 12 वीक, एंड डी है 13 से 16 वीक। न्यूनेटल इज अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया फ्रेंड, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द एंटीरियर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ। फ्रेंड सारे क्वेश्चन DSSB से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6 से 10 मंथ, एंड बी है 12 से 18 मंथ, एंड सी है 20 से 24 मंथ, एंड डी है 26 से 30 मंथ। द एंटीरियर ऑफ फोंटेले इन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 12 से 18 मंथ। एंड 17th पॉइंट है, व्हाट इज द RDF।
एंड 17 पॉइंट है, व्हाट इज़ द आरडीए ऑफ कैल्शियम फॉर अ 9 इयर्स ऑफ ओल्ड चाइल्ड। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें देगी व्हाट इज़ द आरडीए ऑफ कैल्शियम फॉर अ 9 इयर्स ओल्ड चाइल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 18 पॉइंट। फ्रेंड आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनूला यूज्ड फॉर नियोनेट्स इज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड, 24। एंड 19 फ्रेंड आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिस्पांस आफ्टर द टॉनिक नेक फ्लेक्स अकर्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी है, 20 पॉइंट है, बैक अपीयरेंस इज सीन इन अ चाइल्ड विथ, एक बच्चे के पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फ्रेंड सारे क्वेश्चन डीएसबी से। वीडियो कैसा लगा? अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।